हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी ने कितना कलेक्शन किया, डे बाय डे का मैं आपको अपडेट दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जवान का हवा फैला हुआ है कि जवान मूवी ने डे फर्स्ट में ही हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। बॉलीवुड के सिनेमा में पहली बार ऐसी मूवी है जो फर्स्ट ही ओपनिंग में इतना का कलेक्शन किए। तो जानेंगे क्या है क्या नहीं है। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अब हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जवान को रिलीज हुआ है, 5 दिन हो गए हैं। मूवी रिलीज हुई थी 7 सितंबर को और आज है 11 सितंबर, आज सोमवार भी है। तो ऐसे में जाना जरूरी हो जाता है और भी कि जवान का डे 1 से लेकर डे 5 के बीच में टोटल कलेक्शन कितना रहा, मैं आपको बताऊंगा डे 1 से डे 5 का टोटल डे बाय डे कलेक्शन कितना रहा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, 129 करोड़ 6 लाख के करीब इसका टोटल कलेक्शन था। डे 1 में बोला जा रहा था कि हिस्ट्री क्रिएट कर दी ये मूवी हिंदी सिनेमा में, पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि 129 करोड़ का ऐसा कलेक्शन लेके आया है। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 129 करोड़ में से 75 करोड़ कुछ लाख ये सिर्फ हिंदी, तमिल, तेलुगु का था, ये भी तीन लैंग्वेज मिला के था 75 करोड़ में से। और जो 129 करोड़ में से 75 करोड़ निकल गया, जो बाकी बचा वो बाहर देश का था। ऐसा नहीं है कि 129 करोड़ में से सारे का सारे इंडिया का था, 75 करोड़ सिर्फ इंडिया का था, वो भी तीन लैंग्वेज मिलाकर, और जो बाकी बच गया वो बाहर देश का था। तो ये आप क्लियर रहिए कि 129 करोड़ सिर्फ इंडिया का नहीं था। दोस्तों, जवान का डे 1 का कलेक्शन 65 करोड़ 50 लाख रहा। जगह 65 करोड़ 50 लाख, ये हिंदी वर्जन का मैं आपको बता रहा हूँ। तमिल तेलुगु मिलाकर 10 करोड़, दो लैंग्वेज मिलाकर 10 करोड़ का कलेक्शन रहा। और ये मूवी टोटल 10,000 स्क्रीन में रिलीज हुई थी गाइस, तो भी सिर्फ 65 करोड़ का हिंदी कलेक्शन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम है ये, क्योंकि गदर से ये बहुत ही कम है। गदर का जबकि कंपटीशन था जेलर और OMG 2 जैसी बड़ी मूवी से, मूवी के साथ, और इसको स्क्रीन भी कम मिला था और इसे स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा मिला जवान को, फिर भी ये इतना कलेक्शन लाई। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम है, क्योंकि गदर के साथ कंपटीशन था, इसके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं है। आने वाला था प्रभास का सल्लार, वो भी पोस्टपोन हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपटीशन नहीं रहने के बाद भी जवान ने इतना कम कलेक्शन किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप में कोई ना कोई इस मूवी के साथ कमी है, इसी के लिए ये मूवी इतना कम कलेक्शन की है। और दो लैंग्वेज सोचिए आप मिलाकर सिर्फ 10 करोड़ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम है ये। करीब इसको 100 या 200 करोड़ का, 150 करोड़ का तो एटलीस्ट कलेक्शन कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि कम कंपटीशन था। इसीलिए मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, बाकी अपना अपना सबका ओपिनियन है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जवान और गदर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जवान जब रिलीज हुई इस टाइम में रिसेंटली, तो कोई मूवी बड़ी नहीं रिलीज हुई है। लेकिन गदर के टाइम में जेलर भी था, OMG 2 था और बाकी सारी मूवी थी, तो इसीलिए कंपटीशन भी था और उसको कम स्क्रीन भी मिला था, और इसको ज्यादा स्क्रीन मिला है जवान को। सलार भी आने वाली थी लेकिन नहीं आई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पे टोटल नंबर देना चाहूंगा गदर को, क्योंकि गदर कंपटीशन के बाद भी इससे अच्छा करती। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं डे 2 का, जवान ने कितना कलेक्शन किया डे 2 में। सो गाइज, डे 2 में हिंदी वर्जन में जवान ने 46 करोड़ 23 लाख का किया, और तमिल में 3 करोड़ 87 लाख का, तेलुगु में 3 करोड़ 13 लाख। जय गाइज, मैं आपको तीनों लैंग्वेज का बता रहा हूँ, तमिल, तेलुगु और हिंदी का, और टोटल कलेक्शन इसका रहा डे 2 का 53 करोड़ 23 लाख। अब चलिए बात कर लेते हैं डे 3 में जवान ने कितना कलेक्शन किया तमिल, तेलुगु और हिंदी मिलाकर। सो गाइज, डे 3 का इसका टोटल कलेक्शन है हिंदी वर्जन का वो 68 करोड़ 72 लाख। जी हाँ गाइज, 68 करोड़ 72 लाख ये सिर्फ हिंदी वर्जन का है, और तमिल वर्जन का 5 करोड़ 34 लाख, और तेलुगु वर्जन का 3 करोड़ 77 लाख, और इस टोटल दोनों तीनों लैंग्वेज का मिलाकर टोटल कलेक्शन हुआ 77 करोड़ 83 लाख। और गाइज, ये सिर्फ मैं आपको डे 3 का बता रहा हूँ। डे 4 में जवान का टोटल कलेक्शन हिंदी वर्जन का रहा 71 करोड़ 63 लाख, और तमिल वर्जन का रहा 5 करोड़, तेलुगु वर्जन का 3 करोड़ 47 लाख। जी हाँ गाइज, ये मैं आपको तमिल, तेलुगु और हिंदी का बता रहा हूँ, टोटल मिलाकर 80 करोड़ 1 लाख रहा, ये तीनों लैंग्वेज मिलाकर 80 करोड़ 1 लाख, ये डे 4 का कलेक्शन है। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं डे 5 और आखिरी कलेक्शन कितना रहा जवान का। सो गाइस, डे 5 का जवान का कलेक्शन 30 करोड़ रहा। मैं 30 करोड़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी का कलेक्शन नहीं है, तमिल का नहीं है, तेलुगु का नहीं है, अभी तीनों लैंग्वेज का मिलाकर नहीं आया, सिर्फ 30 करोड़ इसका कलेक्शन रहा, अभी तीनों लैंग्वेज बटा नहीं है, तो इसलिए मैं 30 करोड़ आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन हो जाता है डे 1 से लेकर डे 5 के बीच में वो 316 करोड़। टोटल सिर्फ इंडिया कलेक्शन है, वर्ल्ड वाइड नहीं है अभी। सो टोटल इंडिया कलेक्शन 316 करोड़ है। सो गाइज, ये तो रहा जवान का टोटल कलेक्शन। अब मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख देता हूँ गाइज। मेरा मानना ये है कि जवान इससे अच्छा कर सकती थी, लेकिन उसको उससे अच्छा कर नहीं पाई जवान, क्योंकि इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। सलार, जैसा कि मैंने आपको बोला पहले भी,
सलार आने वाली थी लेकिन पोस्टपोन हो गई, तो कोई बड़ी मूवी नहीं आया, तो इससे अच्छा हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन गदर से टक्कर नहीं है इसका, क्योंकि गदर एक टॉप लेवल पर बैठी हुई है और ये अभी उस लेवल पर आए नहीं है, तो इसीलिए गदर से कॉम्पिटिशन इसका करना गलत ही होगा। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी में सिर्फ यही कहानी है कि गरीब किसान और एक नेता, और एक नेता के साथ साथ एक जो बिजनेसमैन होता है, जैसे कि अभी चल रहा है रिसेंटली में अडानी के साथ कनेक्शन जोड़ रहा है, कांग्रेस वाले जोड़ रहे हैं मोदी के साथ, तो वैसा ही कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। एक बिजनेसमैन होता है और एक नेता के साथ कोलैबोरेशन होता है, पैसा का लेन देन क्या होता है, तो उसी से महंगाई बढ़ता है और किसान गरीब मरते हैं खेतों में कर्जा लेकर, कर्जा माफ नहीं होता है। तो मैं किसान को पहले मैं विनम्र पूर्वक मैं उनको सम्मान से कहना चाहूँगा, इसमें किसान का कोई गलती नहीं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, तो मैं किसान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं टिप्पणी करना चाहूँगा शाहरुख खान पे, क्योंकि उन्होंने ये जो लग रहा है कि जो मूवी है मूवी नहीं है, ये कांग्रेस का बोल है और उसी को स्क्रीन में एक प्ले करके रोल उतार दिए हैं शाहरुख खान और एटली मिलकर। मुझे तो पहले लग रहा था कि मूवी अच्छा, लेकिन मैं जानते जानते जाना कि ये जो कांग्रेस अभी इंडिया बन गया है, सो कॉल्ड इंडिया, उसका बोल है ये। जैसा कि कांग्रेस हमेशा बोलते रहती है कि किसान गरीब मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो आप देखिए पहले की अपेक्षा अब आदमी का जो आमदनी वो भी बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, तो ये मानसिकता के साथ मूवी आई है कांग्रेस के मानसिकता के साथ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा। तो मूवी यही है, सिर्फ एक नेता और एक बिजनेसमैन के बीच में पिसता है किसान, उसी का उस पर ही मूवी है, तो ये कांग्रेस बेस्ड मूवी मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे ये बोलने में गलत नहीं होगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई होप मैं समझाने में आपको सफल रहा हूँगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे किसी अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।